हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये 26 पहली बार देख रहे हैं, सो हे वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ तानिया। सो आज का वीडियो अर्बेनिक हॉल पर, और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो मेरा बैड वॉइस को इग्नोर करना। सो आज का वीडियो है अर्बेनिक हॉल पर, और मैंने अर्बेनिक से बहुत सारे तो नहीं, थोड़े से ही आउटफिट्स ड्रेस वगैरह लिए हैं। तो ये जो वीडियो रहेगा ना, अर्बेनिक के टॉप्स पर बस रहेगा, और बॉटम वेयर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। सो इस वीडियो पे सिर्फ टॉप वेयर ही दिखेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए मैं जब जब वीडियो डालूँ और आप देखने के लिए आ जाओ। सो मैं ना वेनसडे और सैटरडे को वीडियो डालती हूँ, और वीक में किसी भी दिन मेरा शॉर्ट्स भी आ जाता है, तो आप उसको भी चेक करना मत भूलिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो टॉप है वो जो मैंने अभी वेयर किया है, ये वाला टॉप है, तो मैं वन साइड पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी टॉप का, और उस पर प्राइस वगैरह लिखा रहेगा और नेम लिखा रहेगा टॉप का, और एक साइड पे मैं उसे ट्राई ऑन हॉल टाइप सा यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी। सो जो अभी मैंने टॉप पहना है बहुत ही अच्छा टॉप है, ये वन स्लीव्स वाला टॉप है, वन स्लीव्स नहीं है इसके, सिर्फ ओनली वन स्लीव्स है, और ये पूरा फुल है लेंथ, और बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल, बहुत ही अच्छा है, पॉलिएस्टर है, और ये ना कुछ भी थिन नहीं है और सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे ऐसे सामने पे बना हुआ है। ये ना मुझे लग रहा था कि निकल जाएगा, वो जो चीप मटेरियल के नहीं होते हैं जिसको ऐसे ऐसे करने से निकल जाते हैं स्क्रैच करने से, पर ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ये बहुत टाइम से मैं इसको पहन रही हूँ, पर इसका, और बहुत बार ये वॉश भी हो चुका है, पर इसका ना मटेरियल जो यहाँ का है मुझे लगा था निकलेगा, पर ये बिल्कुल भी नहीं निकला है। बहुत ही अच्छा है मटेरियल उसका, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। इसमें मेरा साइज़ ऐसे है, सो क्लोजली देखेंगे ना तब पता चलेगा कि रिब्ड मटेरियल है करके। तो ये पूरा जो टॉप का मटेरियल है वो रिब्ड है, और बहुत ही अच्छा, अच्छे से बॉडी को हग करता है, बहुत ही सही दिखता है, तो आप लोग इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये टॉप, ये बहुत ही अच्छा टॉप लगा मुझे। थोड़ा सा ना ये मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइट हो रहा था मेरे पर ये ना एक दो यूज़ के बाद ये बहुत ही अच्छे से आएगा मेरे पे। ये इस टाइप का इसका नेक है, और पफ स्लीव्स है दोनों साइड, और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल, पता नहीं क्या का मटेरियल है, मैं नहीं जानूँगी पर मेंशन कर दूँगी, और यहाँ सामने ऐसे बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा प्रीटी लगता है, और डीप नेक है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है, बहुत ज़्यादा। तो आप इसे भी ज़रूर चेक करिएगा। इस पर भी मेरा साइज़ एस है शायद, वन मिनट में देख के बताती हूँ। नहीं, इसमें साइज़ मेरा एस नहीं, इसमें सिर्फ वन साइज़ आता है, तो ये वाला साइज़ तो मुझे टाइट हो रहा था। अगर आप ज़्यादा मतलब चबी तरफ हो ना, जैसे आपका एल साइज़ है या एम साइज़ है, तो आपको शायद से ये टाइट हो सकता है, क्योंकि मुझे ही, मैं एस पहनती हूँ, मुझे थोड़ा सा ना ये टाइट लग रहा था, पर एक दो यूज़ के बाद ये हो जाएगा स्ट्रेचेबल, और ज़्यादा स्ट्रेची भी नहीं है ना, बस थोड़ा सा ये स्ट्रेच होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए अगर आप एक्सेल या एल हो, एम के लिए शायद आ सकता है ये, एक्सेल और एल हो तो शायद आपके लिए टाइट होगा, पर ये एस वालों के लिए बहुत अच्छा है, एस और एक्सेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके प्रिंट भी बहुत, एक इसी पैटर्न पे ना अर्बेनिक पे एक वो था टैंक टॉप टाइप सा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा, तो मैं सोची थी उसको लूँ या इसको लूँ, तो मैंने सोचा ये वाला ले लेती, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा इसे भी। नेक्स्ट जो टॉप है वो है ये वाला प्रीटी सा। मैं ना नए नए चीज़ एक्सपेरिमेंट करी, क्योंकि मेरे को कॉलर वाला उतना पसंद नहीं है, पर ये ना दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और सुंदर लग रहा था मॉडल पर, तो मैं सोची कि ये वाला ट्राई करती हूँ। इस पर ना पीछे बो है, शुरू में जब ऑर्डर की थी तो मुझे पता नहीं था कि इसमें पीछे बो है, मैंने स्लाइड करके देखी, बस शुरू का फ्रंट का देखी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, और पीछे इस पर बो है, और मैं ना बहुत ही टाइम से चाह रही थी कि मेरे पास एक पीछे बो वाला हो टॉप, और इसमें पीछे बो है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये थोड़ा ऊपर से है ना, तो पीछे अगर जैसे ब्रा पहनेंगे तो उसका दिखेगा, तो हम लोगों को दूसरा कुछ पहनना पड़ेगा ब्रा के अलावा, स्टिक ऑन ब्रा या ऐसा कुछ पहनना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से दिखेगा उसका हुक, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और येलो का कॉलर है, मैं कॉलर वाला उतना पसंद नहीं करती हूँ, और ऐसा तड़कता भड़कता बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, पर मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ट्राई करके देखी हूँ न्यू, तो मैंने इसे ले लिया। ये थोड़ा सा रेट्रो काइंड ऑफ लुक लग रहा है ना, थोड़ा सा उसी टाइप का है, रेट्रो टाइप सा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पर आप देखना मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि कितना सुंदर दिख रहा था मेरे ऊपर, और पीछे वो है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और इस पर मेरा साइज़ है एस, हाँ इस पर मेरा साइज़ एस ही है, और बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, और सबके प्राइस और वीडियो डाल दूँगी मैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉप, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरे को इतना पसंद आया, पूरे हॉल में ये वाला टॉप मेरा बेस्ट 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 टॉप था।
नेक्स्ट है मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला टॉप, तो ये रहा टॉप, ये भी कॉलर वाला है और ये ना थोड़ा डीप नेक है और सामने से ऐसा बना हुआ है, इसको जैसे ज़्यादा ऊपर करना है तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद ये पूरा लॉन्ग स्लीव्स है और इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि ऐसा लगता नहीं कुछ पहन रहे हो, इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल है इसका, इसका मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही, ये तो आप ज़रूर लेना प्लीज़, ये वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे आप लोग, ज़रूर लेना। और इस पर ना ऐसे सामने पे वो छोटा बड़ा करने के बाद आप टाई कर सकते हो आपके मर्जी, अगर आपको टाई करना पसंद होगा तो आप टाई भी कर सकते हो या फिर ऐसे रहने भी दे सकते हो। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, पीछे से ऐसा है पूरा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था मेरे को पूरे हॉल पे ना। सबसे फेवरेट टॉप जो मेरा था ये वाला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस बार जो भी मैंने एयरबैग्स लिए हैं ना, कुछ भी टॉप मेरे को ना सैड नहीं किया, सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छा आया है, तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है कि मैं जितने भी टॉप लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर आया है। सो इस पे मेरा साइज़ था एस और ये भी बहुत अच्छे से फिट हुआ था मेरे को, कुछ भी ना मतलब टाइट हो रहा था ना लूज़ हो रहा था, बिल्कुल परफेक्ट फिट था ये वाला टॉप। सो आज के लिए बस इतना ही है, मैंने ज़्यादा टॉप लिया नहीं था, सिर्फ चार ही लिया था तो उसका वीडियो मैं बना दी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना वो बॉटम वियर के लिए अलग से, मैं सोची कि एक ही में करने से अच्छा अलग अलग वीडियो बना दूँ, तो बॉटम वियर के लिए मैं अलग से वीडियो डालूँगी। सो उसे मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा, इसलिए मिस ना हो जाए इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।